हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सरोज के किचन कॉर्नर में। आज हम बनाएंगे एक ऐसा नाश्ता जो कि बिना तले ही मिनटों में फटाफट बनके तैयार हो जाता है। इसे आप जब मन तब घर में बनाइए और खाइए। इसे आज हम ब्रेड से और बहुत सारी सब्जियों से बनाएंगे। बहुत सारी सब्जियां मिलती हैं तो वहीं पे ही हेल्दी नाश्ता बनना शुरू हो जाता है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले आप ऐसे एक बड़ा सा बाउल लीजिए और उसमें ले लीजिए आधा कटोरी बेसन और पानी लेके उसको अच्छे से घोल लीजिए कि उसमें लम्स नहीं पड़े। ऐसे अच्छे से उसका फेंट लीजिए और जितना जरूरत हो उस हिसाब से आप पानी डालिए और इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर तैयार कर लीजिए। और जब ये घुल जाए तब हम उसमें देंगे ये उबला और कद्दूकस किया हुआ एक आलू। ये आधा चम्मच हल्दी है जो कि इसके कलर को बहुत ही सुंदर कर देगी। आधा चम्मच से थोड़ा सा कम लाल मिर्च पाउडर लेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए आप। ये यहाँ पे हम चाट मसाला ले रहे हैं, आप इसकी जगह हम चूर पाउडर भी ले सकते हैं। और ये एक चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो उसको स्किप कर दीजिए। और सारी चीज़ों को हम इसमें ऐसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए अभी से ये कितना सुंदर दिखने लग गया है। और इसमें आप घर में जो भी सब्जियाँ हैं उनको आप बारीक काट काट के इसमें डाल लीजिए। पत्ता गोभी, फूल गोभी, गाजर, मटर, जो भी घर में आप वो ही सब्जी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। जब ज़रूरत लगे तो ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालिए जिससे कि घोल हमारा एकदम पतला हो। यहाँ पे गाढ़ा घोल नहीं बनाना है हमको, ठीक ठीक घोल बनाना है। और अब हम इसमें लेंगे ये शिमला मिर्ची, गाजर जो कि मैंने कद्दूकस कर लिया है, और ये थोड़ी सी बीटरूट है जो कि इसके कलर को टेस्ट को बहुत ही बेहतरीन बना देगी और साथ में हल्दी भी। और ये दो चम्मच प्याज है बारीक कटे हुए। ये है हरा धनिया। सारी चीज़ों को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसमें हमने कितनी सारी सब्जियां डाली हैं। बीटरूट से इसका कलर कितना प्यारा आया है। आपके पास में जो भी घर में सब्जी अवेलेबल है आप वही इसमें बारीक कट के ले लीजिए। और पानी आप अपने हिसाब से इसमें डालते रहिए कि घोल बहुत गाढ़ा नहीं करना है हमको, ठीक ठीक रखना है क्योंकि हमको इसमें ब्रेड को डिप करना है। ब्रेड पानी एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखिए यहाँ पे मैंने चार ब्रेड लिए। इतने घोल से चार ब्रेड का ये नाश्ता बनके एकदम अच्छे से तैयार हो जाता है। ब्रेड को आप कटोरी से या ग्लास से ऐसे गोल काट लीजिए। चाहे तो आप ब्रेड को ट्रायंगल भी काट सकते हैं। ये देखिए, और ये जो ये ब्रेड का किनारा बसता है ना इसको फेंकिए मत। इसको मिक्सी में पीस के और इसका ब्रेड क्रम तैयार कर लीजिए जो कि आप किसी भी दूसरे नाश्ते में उसका यूज़ कर सकते हैं। हम सारी ब्रेड को काट के और ऐसे ही इसका गोल गोल स्लाइस निकाल लेंगे जिससे कि बहुत ही सुंदर गोल शेप में बनके तैयार हो जाएंगी। ये देखिए ऐसे हमने इसको काट लिया है और साइड में हमने तवा भी गरम कर रखा है इसको सेकने के लिए। आज हम इसको तवे पे बना रहे हैं। ऐसे खूब अच्छे से इसके ऊपर आप वो सब्जी सारी ले लीजिए और दूसरी साइड भी ऐसे ही ले लीजिए और इसको ऐसे हल्के हाथों से बिल्कुल पकड़ के और गरम तवे पे रख दीजिए। इस पे मैंने अच्छे से घी लगा लिया था तवे पे जिससे कि ये चिकना हो जाए और ये हमारे स्नैक्स इस पे चिपके नहीं। अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हम ऐसे ही इसको धीरे धीरे पकने देंगे और जहाँ इसकी सब्जी नहीं लगी है वहाँ हम इसको ऊपर ऐसे ही सब्जी को चिपका देंगे अच्छे से। और इसको हम ढक के पकाएंगे लो फ्लेम पे क्योंकि इसमें बेसन है। और ये देखिए इसको एक मिनट हो गया है तो हम इसके किनारों पे ऐसे घी लगा देंगे। आप चाहे तो यहाँ तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मैं यहाँ घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर इसको हम ऐसे ढक देंगे एक मिनट के लिए और लो फ्लेम पे पकते हुए इसको पूरे दो मिनट हो गए हैं। अब इसको हम पलट देंगे। वाह, ये देखिए कितना सुंदर इसका कलर आया है। और इसको हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही लो फ्लेम पे दो मिनट के लिए पकने देंगे और इसको हम अलट के पलट के ऐसे ही दोनों साइड से सिकने तक अच्छे से पका लेंगे क्योंकि इसमें बेसन है तो इसको अच्छे से पकाना ज़रूरी है। इसको कच्चा बिल्कुल नहीं रखें,
ये देखिए हमारे सारे स्नैक्स बनके तैयार हो गए हैं। आप इसको किसी भी चटनी के संग या सॉस के संग मज़े से खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक और शेयर करिएगा दोस्तों, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।